कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए? ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है, जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए, और इसका केवल एक ही उपाय, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ। शिखंडनी। जो तुम्हारा काल बनके जन्मी है, आज उस अम्बा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी। अंगराज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बच नहीं पाओगे भीष्म। ब्रह्मायास्त्र, ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। ओह, तो वो कथा सत्य थी जो अम्बा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। मुझे मेरा
खंडनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। शत्रु की माया है अंगराज, ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्खगण, ये मैं तुम्हारा परम शत्रु देवराज इंद्र। आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आई अर्चन को हटा रहा हूं। और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? ये सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। श्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया। जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था,
मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना। निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है? कि वो दुर्बल है, कि वो केवल सृजन कर सकती है। एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज, जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे, ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा, और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण। बड़ा भयंकर युद्ध था अंगराज, महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा? मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्य पुत्र कर्ण, कर्ण पाचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां मेरा पुत्र अर्जुन और तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। ओम नमः ने कलिंग और बंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। अर्जुन, सब पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव,
ना जाने कब मेरे पुत्र अर्जुन पर कृपा करेंगे। वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके, ये कर्ण अब तक अपराजित है, दिग्विजयी बनने की सीमा पर खड़ा है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं और कैसे अपने पुत्र अर्जुन को इस कर्ण से अधिक शक्तिशाली बनाऊं, कैसे? छेदी, कलिंग, मगध, त्रिगध, मत्स्य, इन सब पर या तो विजय मिली है या इनसे संधि हुई है। युवराज, आपके चरणों में भारत के सारे राजाओं के मुकुट प्रस्तुत हैं, कुछ ने स्वेच्छा से दिए हैं और कुछ के शीश काट कर लाए गए हैं। असत्य भाषण तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता अंगराज। अभी तक दिग्विजय संपन्न नहीं हुई है क्योंकि इन मुकुटों में एक मुकुट तो है ही नहीं। उग्रसेन का मुकुट अंगराज, द्वारका अंगराज, द्वारका। अभी तक तुम्हारा द्वारका पर विजय पाना शेष है अंगराज, और द्वारका पर विजय पाए बिना मेरे सम्राट दुर्योधन की दिग्विजय अधूरी होगी अंगराज। द्वारका से युद्ध, शानी वासुदेव से द्वंद, क्या आप नरसंहार का प्रण लेकर हस्तिनापुर से निकले थे गांधार नरेश? रक्त की नदियां बह जाएंगी, परंतु वासुदेव और श्री बलराम को हराना असंभव है। लोग उन्हें यूं ही अवतार नहीं कहते। अवतार की कथा पे वो विश्वास करते हैं जो जो कृष्ण से भयभीत हो। तुमने ही कहा था ना मित्र कि भावी युद्ध के लिए शक्तिशाली राजाओं को अपने समर्थन में लेना आवश्यक होगा। बिना द्वारका के ये कैसे संभव होगा मित्र? तुमने मेरे लिए दिग्विजय का वचन दिया है, क्या उसे पूर्ण नहीं करोगे मित्र? द्वारका का साथ अवश्य मिलेगा युवराज, शक्तिशाली को मित्र संधि से बनाया जाता है, युद्ध से नहीं। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। तो
द्वारका से संधि, द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। तुम्हारे विनाश का जो अवसर मैं खोज रहा था वो तुमने स्वयं मुझे दे दिया है। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ना ही ये सूर्यदेव बलराम के आगे कुछ कर पाएंगे और ना ही गोवर्धन उठाकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो वासुदेव कृष्ण।